हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सूर्या ब्लॉग। आज मैं आया हूँ बिहार के सासाराम में। यहाँ पे मैंने सुना एक आश्रम बना है, मतलब आश्रम टाइप का मंदिर है, पायलट बाबा आश्रम बोलते हैं इसे। ये सासाराम स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो चलिए देखते हैं इसको और दर्शन करते हैं भगवान के। यहाँ पे शंकर भगवान की 103 फीट की मूर्ति बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं। और ये मेरे गांव से 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो हम लोग सुबह जल्दी निकल गए थे कि घूमना फिरना हो जाएगा, और भी बहुत सारी जगह घूमना था हम लोग को। सासाराम में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए सासाराम में, इसके लिए तो हम लोग जल्दी निकले थे। तो सुबह 6 बजे निकले और 9 बजे तक पहुँच गए थे हम लोग। तो ये देखिए, ये है वो मंदिर और ये है वो मूर्ति। पीछे श्री राम की भी मूर्ति है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ी है वो भी, लेकिन शंकर भगवान से थोड़ी छोटी है। ये देखें नंदी महाराज को और ये शंकर भगवान आपको दिखेंगे काफ़ी ऊंची। अभी काम बाकी है, इसमें काम चल रहा है। और ये प्रभु श्री राम की बगल में ही मूर्ति बनाई गई है, वो भी देखते हैं। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, लोग दूर दूर से आते हैं। अभी तो नया ही निर्माण हुआ है इसका। ये देखिए प्रभु श्री राम का, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है, शांत जगह है। और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करना मनाही है, 500 दंड करते हैं ये लोग। लेकिन फिर भी हम लोग धीरे धीरे से बनाए इस वीडियो को। तो ये गेट, यहाँ से गेट में एंट्री करेंगे। और ये पायलट बाबा द्वारा बनवाया गया है पूरा मंदिर। सभी देवी देवताओं का मंदिर है इसमें। और उसमें अंदर में शंकर भगवान का बहुत बड़ा शिवलिंग है, वो उसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मनाही है। लेकिन हम आपको बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा मंदिर। ये विष्णु भगवान पायलट बाबा द्वारा बनाई गई। ये देखिए रावत हाथी। यदि आप फोटो से पाए जाते हैं तो आपको दंड स्वरूप 500 रुपये देना पड़ सकता है। जी हाँ, ध्यान दें, यदि आप फोटो। ये मंदिर के अंदर फोटो शूटिंग करना अलाउड नहीं है। पकड़े जाने पर 500 का वो है, इसीलिए कभी भी आप लोग ध्यान दें। ये बुद्ध भगवान की प्रतिमा। कैमरा लगा लगा बटन के देखिए। हर भगवान की प्रतिमा बनाई गई है। ये झांसी की रानी, सत्य कवि गुरु गोविंद, काफ़ी प्रतिमा बनाई है ये भगवान बुद्ध के बारे में। ये ऊपर उनकी मूर्ति भगवान बुद्ध की। ये अभी बन रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये बहुत सारे डक रखे हुए हैं। ये देखिए, ये भी घूमने के लिए अच्छी जगह है, आप आइए घूमिए। लेकिन हाँ, कैमरा बचा के, क्योंकि कैमरा रिकॉर्डिंग करने नहीं देते हैं अंदर का, आप बाहर खींच। कैसी लगी ये मंदिर और कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भोले के दर्शन कीजिए। जय भोले।